हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है चाय से। इट मीन्स कि आज हस्बैंड घर पे हैं। साथ में ही सुबह सुबह मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए, जो मेरे हाथ में चोट लगी हुई थी, दो फिंगर्स मेरी बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैंने आलू मटर बनाए सुबह सुबह। बेटू को आज खाना नहीं दिया था, स्कूल भेज दिया था, लेट उठे थे, थक गए थे। और साथ में हस्बैंड ने आज वॉशिंग मशीन लगा दी थी ड्रम क्लीनिंग पे। तो जिसके पास भी ऐसी वॉशिंग मशीन है, प्लीज़ ड्रम क्लीनिंग करते रहिएगा, क्योंकि ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी इससे निकली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरा क्लिप है रात शाम जैसे का। और शाम को जैसे मैं दवाई खाने लगी थी, तो ये देखिए बाहर झमाझम बारिश स्टार्ट हो गई थी। और जैसे बारिश स्टार्ट हुई, तो मैं अपने कपड़ों का हैंगर लेने के लिए गई, तो बेटू की मस्ती स्टार्ट हो गई। तो आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। बेटू की मस्ती खत्म होने के बाद ये देखिए कितना ज़्यादा इसने फैला दिया था सब कुछ। होमवर्क किया था इसने, और यहाँ पे मैंने मेडिसिंस भी ली थी, तो अभी मेरे साथ काम करवा रहा है। और साथ में ये देखिए प्यारा सा बच्चा अभी कूड़ा फेंक के आया है। कूड़ा फेंक के आने के बाद सीधे डिमांड हुई है कि मुझे मेरा कॉर्नफ्लेक्स दे दिया जाए। तो मैंने इसको इसका कॉर्नफ्लेक्स बना करके दिया, क्योंकि काम भी बहुत किया था और बारिश में भी भीग चुका था। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, पर बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम था। तो चलिए जैसे भी हो काम करवा देते हैं, तो उसके बाद ट्रीट मिलना चाहिए। और ट्रीट मिलने के बाद बहुत ही अच्छा गाना सुनाया, आप भी सुन लीजिए। इससे आगे भी होता है कुछ? ये मैंने अभी बैंडेड चेंज कर लिया, क्योंकि इससे पहले मैंने रेसिपी व्लॉग शूट किया था, जिसके लिए मुझे आटा गूंदना पड़ा था। तो ये देखिए हल्का सा कट जो आपको अभी नज़र आ रहा है, ये बहुत डीप कट था। इसी के साथ में मैंने रात में ये वाली दाल चढ़ाई थी, क्योंकि सुबह वाले आलू मटर ख़त्म हो चुके थे। ये देखिए हस्बैंड का फेवरेट मैच लगा हुआ था, और साथ में हमने एक रेसिपी व्लॉग भी शूट किया था। तो हस्बैंड इसी तरह से अंदर बार होते जा रहे थे। तो मैं दाल चढ़ा चुकी थी, अभी चेक कर लेते हैं कि दाल हो चुकी है या नहीं। अगर हो चुकी होगी तो हम इसका तड़का लगाएंगे और हमारा डिनर रेडी हो जाएगा। चलिए, तो दाल बहुत अच्छे से पक चुकी है, अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं और दाल हम तैयार कर लेते हैं। तो आज मन था कि हल्की फुल्की सी दाल खाई जाए। मतलब दाल तो वैसे हैवी थी, बट इसको बनाने का जो तरीका था वो बहुत ही सिंपल था। ना आज मैंने प्याज मैंने ग्राइंड किए थे, ना मैंने आज टमाटर ग्राइंड किए थे। तो मैंने सोचा कि इसी तरह से इसको देसी स्टाइल में बनाया जाए। तो चलिए अभी तड़का लगा दिया है, मसाले भी बहुत कम ऐड किए हैं, क्योंकि चाहा था कि आज दाल का टेस्ट बरकरार रहे। तो इसीलिए हमने हल्का फुल्का सा छौंका लगा करके अभी दाल हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो फाइनली बनके इतनी अच्छी ये आई थी, इसका अपना टेस्ट इतना उभर के आ रहा था, बहुत टेस्टी थी। अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप भी इस तरह से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर इसी तरह से बनाते हैं तो फिर ये मेरी एडवाइस है, आप साइड कर सकते हैं। तो इसी के साथ में मेरा डिनर रेडी हो चुका था। ये देखिए जो मैंने रेसिपी शूट की थी, ये वो थी, और साथ में दाल चावल थे। तो ये मैंने जस्ट प्लेट लगाई थी आपको दिखाने के लिए। खाना खाने के बाद ये देखिए मैं बाहर आई थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, झमाझम बारिश रुकने का नाम नहीं था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग राधे राधे फ्रेंड्स। चलिए अब हो चुकी है सुबह, आज भी नज़ारा कुछ बदला नहीं है। बारिश थोड़ी सी थमी है, बट जितना भी पानी रुका हुआ था बारिश का, वो इसी तरह से बह रहा था। और इसी के साथ में मैं रात में बहुत ही अच्छा काम कर चुकी थी। जैसे मैं सोने जा रही थी, दूध मैंने गैस पर रखा था, मैंने अपने हिसाब से गैस बंद कर दी थी, बट वो बंद नहीं हुई थी। और मैंने हस्बैंड को भी नहीं बताया था, तो उन्हें लेट नाइट पता लगा था जब वो मैच देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक मूवी अपनी फिनिश की थी, तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कि किचन में से कुछ
धुआं धुआं सा आ रहा है, तो उन्होंने देखा कि मैं दूध गैस पे चढ़ा करके सो चुकी हूँ, तो उन्होंने उस टाइम पे बंद कर दिया बस, बट गैस क्लीन नहीं कर सकते थे रात में। तो ये सुबह उठते ही, मैं आई तो चाय बनाने के लिए थी, बट मैंने सबसे पहले गैस साफ की। तो ये देखिए इसकी हालत इतनी ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मैं इसको क्लीन करने के लिए लगी, अराउंड मैंने 20 मिनट इस पर स्पेंड किया है, उसके बाद जा कर के ये गैस साफ हुई है। और दूध के बर्तन के तो क्या ही कहने, वो मैं आपके साथ शेयर ही नहीं कर सकती हूँ, वरना आप इससे पता लगा सकते हैं कि मैं कितनी बड़ी केयरलेस हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वैसे फ्रेंड्स आप मुझे केयरलेस में समझिएगा, क्योंकि किसी ना किसी से कभी ना कभी गलती हो जाती है, बट मैंने अपने मुंह से कह दिया इसलिए मैं आपको दोबारा से बताने आई हूँ कि कभी कभी गलती हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाती हूँ, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। तो ये फाइनल लुक है देखिए फ्रेंड्स मेरी गैस की, और मैंने कितनी अच्छे तरीके से, कितनी मेहनत करके इसको साफ़ किया, जलाने में भी वैसे मेहनत की थी और मैंने इसको साफ़ करने के लिए भी मेहनत की थी। तो फ्रेंड्स ये है हालत मेरी 1 लीटर दूध की। चलिए कोई बात नहीं, ये मैंने क्लीन कर दिया है और इस टॉपिक को क्लोज़ करते हैं। चाय बनाना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने चीनी पत्ती के डिब्बे निकाले तो मुझे पता लगा कि चीनी ख़त्म है, तो मैंने साथ के साथ ही चीनी का डिब्बा मैंने रिफ़िल कर दिया और उसके बाद मैंने चाय बनाना स्टार्ट की। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं चाय की तरफ। चाय मैंने चढ़ा दी है, तो इसके बाद बारी आती है मेरे ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट की, वो है अदरक। अदरक वाली चाय मैं पीऊँ या ना पीऊँ, मैं सामने वाले को भी हमेशा अदरक वाली चाय ही पिलाती हूँ। तो चलिए अभी मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी, मैंने चाय पत्ती भी ऐड कर दी। उसके बाद मुझे विचार आया कि मुझे आज लेमन टी पी लेनी चाहिए। मैं अपने वाले वर्जन की लेमन टी आपको बता रही हूँ, ब्लैक टी बन चुकी है, मैंने इसको यहाँ से छान लिया है और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें लेमन ऐड कर लूँगी। ये सिंपल वाली लेमन टी है, टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, मज़ेदार आ जाता है। जितनी भी कड़वी वैसे ये ब्लैक टी होती है, ये सारी बढ़िया हो जाती है। तो अभी व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने सोचा कि चलिए अच्छे अच्छे से क्लिप भी ले लेते हैं। लेमन में ऐड कर चुकी थी, ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने इतना ही डाला था, मैंने पहले भी डाला था पर क्लिप लेना भूल गई थी, तो मैंने लेमन ऐड कर दिया। ये देखिए जो बची हुई चाय थी उसमें मैंने थोड़ी सी चाय पत्ती डाल करके, दूध डाल करके मैंने इसको बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। अब चाय लेकर के चलते हैं और साथ में थोड़ी देर बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, जितना भी गैस पे मेहनत किया है थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करेंगे। चाय पी ली है, उसके बाद मैंने देखा कि टाइम अभी भी बहुत है पेटू अभी उठाने के लिए, मैंने सोचा 5-10 मिनट और रुक जाते हैं, 8 बजे का स्कूल लगता है। ये देखिए टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, फिर मैंने देखा कि आज ड्राई फ्रूट्स हैं उसके लंच बॉक्स में, तो ड्राई फ्रूट्स के साथ परांठा भी था, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाले जो मैं अभी विशाल मेगा मार्ट में शॉपिंग करने के लिए गई थी, तब मैं ड्राई फ्रूट्स लेकर के आई थी। तो बेटी का लंच बॉक्स पैक करने के बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स पैक किए, बेटू को तैयार किया, बेटू को छोड़ने के लिए हस्बैंड गए, हस्बैंड को भी आज टूर पे निकलना था, तो जैसे हस्बैंड छोड़ करके आए तो उन्होंने कहा कि मेरी शर्ट्स प्रेस कर दो, कुछ एक शर्ट्स मैंने प्रेस की थी और उनकी इसी वीक में मीटिंग भी थी, तो मैंने ये 2 शर्ट और प्रेस की उनकी। हस्बैंड टूर पे निकल गए थे, मैं नहाई धोई, उसके बाद मैंने पूजा पाठ की, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी। ब्रेकफास्ट मैंने लिया तो बहुत ज़्यादा था पर मैं उतना ब्रेकफास्ट कर नहीं पाई थी। ब्रेकफास्ट के बाद मैं सो गई, फिर अराउंड मैं 1 बजे के करीब उठी, 1:30 बजे के करीब मेरी मासी आई, 2 मासियाँ आई थी जिनको मैंने कचौरी और भल्ले खिलाए और उनके साथ थोड़ी बहुत बातें करी। इसी दौरान मुझे पापा का फ़ोन आया था कि मेरी बड़ी मम्मा जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हो गई हैं। मैं वहाँ से हॉस्पिटल गई, मम्मा के पास बैठी, वहाँ से मैं घर पहुँची। देखिए बच्चे मस्ती कर रहे हैं और भाई उस रूम में जा रहा था, भाभी यहाँ भी घर पे नहीं थी फिलहाल, उनके घर में भी कुछ प्रॉब्लम थी वो घर गई थी, तो मैं घर पहुँच गई थी। रात को मैंने डिनर में बनाई भिंडी, उसके बाद हमने रात को रेस्ट किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई। अब ये उससे नेक्स्ट डे का क्लिप है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, झमाझम बारिश हो रही थी, मुझे हॉस्पिटल जाना था। मैं यहाँ पे शॉप के बाहर खड़ी थी, पापा की शॉप के बाहर, तो मेरा भाई गया गाड़ी लेने के लिए, फिर मुझे लेने के लिए आया वो। तो इसके बाद भाई लेने के लिए आ गया था मुझे और मैं गाड़ी में बैठी और उसके बाद भी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। चलिए फिर बारिश में जैसे तैसे मैं हॉस्पिटल में पहुंची, फिर मम्मा के पास बैठी और मम्मा को ड्रिप लगा हुआ था, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, शुगर उनका बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था, तो ये मैंने छोटी सी क्लिप डाली है। वहाँ से मैं 2 बजे के करीब वापस आई और मैं सो गई आकर के। ये मैंने शाम को 5-6 बजे चाय बनाई, भाइयों के साथ मैंने चाय इन्जॉय की और ये देखिए रूबी बाहर बैठी है। और इसी के साथ में आज मेरा ये नेल का काम हो गया, मैं अभी आटा गूंद रही थी, उससे पहले मेरा नेल टूट गया, तो मैंने सोचा ये आपको मैं दिखा देती हूँ। एक नेल तो निकल चुका है, अब आगे देखते हैं कि कैसे कैसे निकलते हैं। साथ ही में मैंने बनाई दाल, ये देखिए मैं खाना बना रही थी, भाई बीच में बच्चों को ले गया था, तो इतना फैला भर के आए हैं।
मैं देख रही थी क्या क्या लेके आए हैं, मैंने सोचा कि थैला बहुत ज्यादा भरा होगा, बट नहीं, आप अभी सुनते जाइए। वाह वाह, बच्चों की अपनी मस्ती चल रही थी, ये तो मैंने इतने ही क्लिप लिए थे। आज के व्लॉग में यही पहन करती हूँ, आई होप मजा आ गया, पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो पे कमेंट भी कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, फिर हैप्पी। Yeah.